नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुप्ता.com किचन में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सोया बड़ी की एकदम टेस्टी सब्जी की रेसिपी, जिसको आप रोटी, पराठे, पूरी, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने सोयाबीन लिया है, जिसे कि सोया बड़ी भी बोलते हैं और सोया चंक्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सोया बड़ी है उसको हम उबाल लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 2 गिलास पानी रख दिया था पहले से ही गर्म होने के लिए। तो इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे और इसी में हम डाल देंगे सोया बड़ी को और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। सोया बड़ी को उबलते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और एकदम अच्छे से फूलकर तैयार हो गई है और ये साइज़ में भी काफ़ी बड़ी हो गई है। तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और जो सोया बड़ी है इसको हम पानी से छान लेंगे। अभी हम सोया बड़ी को साइड में रख देते हैं। अभी हम ग्रेवी की तैयारियां कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक बड़े साइज़ के प्याज को मैंने इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है, थोड़ा सा अदरक, लहसुन की कलियां है, धनिया पत्ता और एक मीडियम साइज के टमाटर को भी काट के ले लिया है। अब एक कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए। 1 चम्मच हम इसमें तेल डाल देंगे और तेल को गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम प्याज को डाल देंगे, अदरक और लहसुन को भी हम साथ ही में डाल देंगे। इसको मिला लेंगे। अदरक, लहसुन और प्याज को मैंने बस 2 मिनट के लिए सौते कर लिया है। अभी इसमें हम कटे हुए टमाटर को डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे इसमें। अभी इसमें हम 2 चम्मच पानी डाल देंगे ताकि प्याज और टमाटर जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। इसे कवर करके पकाएंगे। इधर हमारी सोया बड़ी भी ठंडा हो चुकी है तो चलिए अभी हम इसको निचोड़ के इसका जो पानी है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। प्याज टमाटर को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाया है और एकदम पूरी तरह से सॉफ्ट होकर तैयार हो गए हैं। तो अभी हम धनिया पत्ते को तोड़ के डाल देंगे डाटी के साथ ही और इसको भी इसी के साथ हम मिला लेंगे। मसाले पककर तैयार हो गए हैं तो अभी हम इसको एक मिक्सी जार में निकाल लेंगे। ठंडा हो जाने के बाद में इसको पीस के एकदम स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। वापस से उसी कढ़ाई को साफ़ करके रख दिया है और 1 चम्मच तेल मैंने उसमें डाल दिया है। तेल को एकदम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, उसके बाद में हम सोया बड़ियों को डाल देंगे इसमें। सोया बड़ियों को हम हाई फ्लेम पर भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि सोया बड़ी के ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाए। सोया बड़ी के ऊपर एकदम एक अच्छा सा कलर आ गया है तो ये भूनकर तैयार हो गए हैं। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे। अब एक दूसरी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल को गरम कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 2 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग और थोड़े से काली मिर्च के दाने। तड़के को हम कुछ देर के लिए पका लेंगे। तड़का पक गया है। अभी हमने जो टमाटर और प्याज का पेस्ट बना के रखा है उसको हम डाल देंगे। अब इसमें कुछ सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हम डालेंगे इसमें धनिया का पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ही डालेंगे जीरा का पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाल दीजिएगा या फिर टेस्ट के हिसाब से। अब इन सारे मसालों को हम भून लेंगे। मसालों को कुछ देर भून लेने के बाद में इसमें हम 3 से 4 चम्मच
दही डाल देंगे जिसको कि मैंने पहले से ही फेंट कर रखा है। अब इसको भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे हम। अब सारे मसाले भूनकर तैयार हो गए हैं, तो सबसे लास्ट में हम इसमें डाल देंगे एकदम थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर और इसको भी मसालों के साथ मिला लेंगे। अब इसमें पानी डाल दीजिएगा ज़रूरत के हिसाब से कि आपको कितनी ग्रेवी बनानी है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब फ्राई की हुई सोया बड़ी को भी हम इसमें डालेंगे। अभी इसको कवर करके हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। सब्जी को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए पकाया है और एकदम पूरी तरह से पककर तैयार हो गया है। तो अभी मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और सबसे लास्ट में हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया पत्ते को भी सब्जी में हम पूरी तरह से मिला लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, सोया बड़ी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए रोटी पराठे पूरी चावल के साथ। ये खाने में बहुत बहुत टेस्टी बने हैं दोस्तों, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। और रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।